खाना कितना अच्छा था आप लोग इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं। थाली में कुछ भी नहीं बचा भाई साहब, पूरा दो चाइल्ड और चार एडल्ट, दो चाइल्ड। टिकट लेके आ गया हूँ मैं, यहाँ से जाना है फर्स्ट फ्लोर पे है, तो मैं अभी जाके आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से जाना है। बाबू खाना कैसा था? खाना भाई बहुत बढ़िया स्वादिष्ट लगा, वो पिंक वाला खाना था उससे ज़्यादा अच्छा खाना यही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों अभी मैं हूँ शिरडी में और जा रहा हूँ मैं भोजलाने में खाना खा लिए, जहाँ पर मतलब फ्री में भी खाना मिलता है, लेकिन हम लोग आज ट्राई करने वाले हैं वीआईपी थाली। उसमें क्या कुछ मिलने वाला है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। मैं हूँ यहाँ पर जस्ट मंदिर के एकदम सामने ही, तो यहाँ से मैं रिक्शा करके डायरेक्ट वहाँ पर पहुँचूँगा, उसके बाद में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे जाना होता है, कैसे टिकट लेना होता है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बने रहें वीडियो के साथ में कंप्लीट, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो चलते हैं, यहाँ से ऑटो लेते हैं, सामने के साइड में मंदिर देखने मिलेगा, उसके बाद में यहीं से आप लोगों को ऑटो मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर बातचीत करना, क्योंकि यहाँ पर ऑटो वाले ना आप लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। चलते हैं, देखते हैं और बैठते हैं डायरेक्ट वहाँ पर, बहुत मान ले जाएंगे। 70 रुपये हम चलेंगे भैया, 20 रुपये सौ से कम कोई नहीं जाता, मैंने मिनिमम 80 रुपये। हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग बैठे हैं रिक्शा में, अभी हम लोग जा रहे हैं भोजनालय, अभी हम लोग वीआईपी खाना खाएंगे, उसके बाद में बताएंगे वीआईपी खाना कैसा मिलता है इस बारे में। और यहाँ पे कुछ इस तरीके का पूरा रास्ता है, तो चलते हैं और उसके बाद में डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचेंगे। मैं वहाँ पर दिखाता हूँ किस तरीके से आप लोगों को टिकट मिलेगा, सब कुछ मैं वहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा। फाइनली मैं एकदम सामने पहुंच चुका हूं और भाई साहब अभी दोपहर में मैं आया हूं, तो यहां पर बहुत ज़्यादा क्राउड है। यहां पर ये वीआईपी का इधर कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, चाइल्ड का अलग है और उसके बाद में जो एडल्ट का है वो 50 है, चाइल्ड का जो है वो 30 है। मैं आगे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर लगा हुआ है मतलब जो एडल्ट है उनका 50 है, चाइल्ड का यहाँ पर 30 है। तो देखता हूँ मैं यहाँ पर लेता हूँ, दो चाइल्ड और चार एडल्ट, दो चाइल्ड। यहाँ पर टिकट लेके आ गया हूँ मैं, यहाँ पर चाइल्ड का 30 रुपीज़ और एडल्ट का 50 रुपीज़ है, और उसके बाद में यहाँ से जाना है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ से जाना है फर्स्ट फ्लोर पे है, तो मैं अभी जाके आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से जाना है। और मतलब यहाँ पर देखो यार, मतलब अच्छा चीज़ है, मुझे लगा था कि सबका 50 रहेगा, लेकिन एडल्ट का चलो 30 है, 20 रुपीज़ का फ़ायदा होगा। और यहाँ पर देखो इस तरीके से रास्ता है, और इधर से जाना है ना, इधर से ये सीढ़ी चढ़ के फटाफट 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 ऊपर पहुँचता है। दो बच्चे, चार बड़े, इधर से यहाँ से इस तरीके से अंदर जाना है और टिकट पहले उधर पे दे देना है, मैंने आप लोगों को दिखाया किस तरीके से, और इस तरीके से इस पर निशान लगा देते और इस तरीके से अंदर जाना है। और यहाँ पर मतलब सेटिंग पूरा टेबल का दिया गया है, और देखते हैं अभी कैसा है। यहाँ से अंदर आना है, पूरा देखो किस तरीके का पूरा नज़ारा है यहाँ पर। तो भाई लोग हम लोग यहाँ पर आए, तो वीआईपी का जो सेटिंग है वो तो अच्छा है, अभी खाना आने के बाद भी देखते हैं कैसा खाना रहता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग लोग होने वाला है, देखो कितना मतलब बड़ा एरिया है यहाँ पर, पूरे लोग बैठ के खा रहे हैं काम वगैरह में, और अभी देखते हैं क्या क्या मिलता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। वीआईपी में एक चीज़ का अच्छा है कि यहाँ पर देखो पंखे भी है, और इधर साइड में आप लोगों को कूलर भी बड़े बड़े देखने मिलेंगे, जो कि मतलब यहाँ पर ये फ़ायदा है। और जो नॉर्मल वाला है फ्री वाला, उसमें सिर्फ आप लोगों को ऊपर पंखे देखने मिलेंगे, वहाँ पर आप लोगों को इस तरीके के बड़े बड़े होटल मिलेंगे। और यहाँ पर देखो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर सेवई मिलती है, जो कि जो मीठा है, और उसके बाद में कांदा वगैरह यहाँ पर ही देते हैं, और देखते हैं अभी और खाना वाना आने वाला है। और ये भाई साहब इनको खिला रहे, और यहाँ पर आ गया चावल अपना और पापड़। Thank you.
में यहाँ पर दही भी दिया गया है। तो स्पेशल में यहाँ पर देखा जाए तो ये पापड़ और ये दही है और इधर पे शक्कर वक्कर है और मतलब खाना एकदम अच्छा है। अभी तक खाना कितना अच्छा था आप लोग इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। थाली में कुछ भी नहीं बचा भाई साहब, पूरा का पूरा ख़त्म हो गया और ये लास्ट में पापड़ है तो इसको भी खा लेता हूँ। हो गया तो तुम्हारा खाना कैसा था? खाना भाई बहुत बढ़िया स्वादिष्ट लगा, वो मीट वाला खाना था उससे ज़्यादा अच्छा खाना यही है। दही वाले खाने में कैसा थोड़ा इधर उधर रहता है लेकिन इसमें बहुत बढ़िया दही है, दही और पापड़ एक्स्ट्रा है, पापड़ भी है। खाना बहुत ज़बरदस्त था, सब कुछ हो गया, खा पी के हो गया। तो अभी चलते हैं, हाथ धोने का इधर है, हाथ धोते उसके बाद में बाहर निकलते हैं। चलते हैं, सबसे पहले हाथ धुल लेते हैं जो कि ये साइड में है। हाथ धुलने के बाद में फिर उसके बाद में नीचे चलेंगे ना। और यहाँ पर सबसे खास बात ये कि जिधर से हम आते हैं उधर से ही जाने का रास्ता है, तो चलो बाहर निकलते हैं। यहाँ पर देखो इस तरीके से साईं बाबा का यहाँ पर टेंपल लगा हुआ है और जैसा कि इसमें दिखाया गया है कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये टेंपल है। बाहर निकलने के बाद में भाई साहब ये यहाँ से मेन गेट है, यहीं से आप लोग अंदर जा सकते हैं। और देखो इस तरीके का बाहर का नज़ारा, यहाँ पर साईं बाबा का स्टैचू आप लोगों को सामने दिखेगा जो कि बहुत बड़ा है यहाँ पर देखो। और इधर पे इस तरीके का नज़ारा है और इधर के साइड में इस तरीके से जहाँ से टिकट विकट मिलता है, जहाँ से हम लोग टिकट लेके अंदर आए उसके बाद में यहाँ पर मतलब बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं एक टाइम पे खाना खाने। फ्री वाले में तो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं लेकिन फ्री वाले में मैं बताऊँगा आप लोगों के फ्री वाले में आप लोग ना जाए अच्छा है, क्योंकि उतना अगर आप लोगों को अच्छा खाना खाना है तो आप लोग VIP में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर देखो साईं बाबा का स्टैचू कितना ज़बरदस्त दिख रहा है, इस तरीके का यहाँ पर पूरा नज़ारा है। हम लोगों ने खाना वाना खा लिए, पेट वेट भर गया मतलब एकदम अच्छे से। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर बस स्टॉप भी है, अगर आप लोगों को यहाँ से डायरेक्ट मंदिर के पास जाना है तो यहाँ पर बस स्टॉप है, आप लोगों को फ्री में बस ले जाके मंदिर के पास में छोड़ेगा जो कि हम लोग गए थे उससे। और अभी यहाँ पर बस नहीं है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ बस स्टॉप किधर पे है। अगर आप लोग कभी यहाँ पर आएंगे तो आप लोग इजीली बस से जा सकते हैं मंदिर के पास में बिल्कुल फ्री में, जो कि यहाँ पर है। देखो आप लोग यहाँ पर ये बस स्टॉप है, बिल्कुल फ्री में आप लोगों को यहाँ से मंदिर पर आप लोगों को ले जाके छोड़ देगा जो कि हम लोग भी यहाँ से गए थे। तो बस यार आज के लिए इतना है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मैं मिलता हूँ इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी।